गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हाई स्कूल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के कुछ सवाल भी लगवाएंगे। जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि एक बात और इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे वीडियो देखते भी नहीं हैं, जो देखते हैं वो रिप्लाई नहीं करते, तो थोड़ा कष्ट होता है कि हम लोग मतलब अपना मेहनत कर रहे हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, डाटा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो वीडियो देखते नहीं हैं। इसलिए नहीं देखते कि अब देखेंगे तो क्या होमवर्क भी करना पड़ेगा, ऐसा इशू रहता है, तो ये बहुत गंदी बात है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन क्लास ही आपका साथ देंगी, वही सहारा है, तो इससे आप मुँह ना मोड़ें, आपको इसी का साथ देना है, इसी से आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक स्कूल खोलने का भी कोई प्लान नहीं कर रही है, क्योंकि कोरोना जो है पूरी तरीके से फैल चुका है, तो ज़्यादातर लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसीलिए अगर बच्चों को बुला दिया जाएगा तो बच्चों में ज़्यादा इम्यून सिस्टम नहीं होता है उनका तेज, इसलिए वो ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को अभी नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसीलिए आपका सहारा जो कोचिंग थोड़ा बहुत होगी और थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास होगी। तो इसके लिए आप लोग समझेंगे, पहला एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर हो तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। हम इसे द्विघात समीकरण से हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक आयताकार कोई पार्क है, तो ये आयत माने क्या होता है, आमने सामने की जिसकी साइडें बराबर हों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके। मान लिया कि ये ए बी सी डी कोई एक पार्क है, तो कह रहा है पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। हमेशा याद रखना कि लंबाई ही ज़्यादा होगी चौड़ाई से, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है। अगर मान लिया वो कह रहा है कि क्या ज़्यादा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, मतलब अगर मान लें कि अगर ये 8 है तो ये इससे ज़्यादा है 8, तो 16 होगी, ठीक है, तभी तो 8 ज़्यादा हुई। अगर ये 4 होगी तो ये आपकी 12 होगी, यानी कि वो 8 ज़्यादा होगी। तो अब हमें मालूम तो है नहीं कितनी है, हमने मान ली कि सर अगर हम ये चौड़ाई अगर हमने x मान ली, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि सर ये 8 ज़्यादा होगी, यानी कि x प्लस 8 होगी। तो मान लेंगे कि माना आयत की आयताकार पार्क है ना, तो आयताकार पार्क लिखेंगे, आयताकार पार्क की चौड़ाई हम पहले मानेंगे, चौड़ाई हमने क्या मानी x, तभी तो x प्लस 8 आया, तो अब चौड़ाई हम पहले लिखेंगे बाद में लंबाई लिखेंगे, तो उससे आपको क्या है आसानी रहेगी। माना तथा ऐसे लिख दो, तथा आयताकार पार्क की लंबाई से 8 ज़्यादा है तो x प्लस 8 हो जाएगी, अगर y मानते तो y प्लस 8 हो जाएगी, z मानते तो z प्लस 8 हो जाएगी। अब आगे सवाल ने क्या कहा, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सर बिल्कुल जानते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 240, हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये आ रहा है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, या x प्लस 8 एक ही बात है, लंबाई पहले लिखना चाहिए लिख दो, x प्लस 8 गुणे x एक ही बात है बराबर 240, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वो कितनी दी गई 240, वो बराबर में 240 क्रॉस मल्टी अंदर गुणा कराएंगे x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 240, पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 240 बराबर 0, 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटा में तो 8 है, अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझना है, 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 8 आए, तो ये दिमाग जब काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले 240 के फैक्टर करेंगे, तो ये आ जाएगा 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, अब ये किससे घटेगा 3 से घटेगा, फिर ये 5 से घटेगा, अब इन्हें ऐसा सेट करना है कि घटाने पर 8 आए। देखिए इसे 5 दियो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 30 में से 8 गए 22, नहीं कट रहा तो हमें बचाने कितने 8 बचाने, तो क्या करेंगे और थोड़ा इधर उधर करो, देखो जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 12 अलग हो गया ना, 20 में से 12 गए 8 बच गया, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम 20 माइनस के 12, क्योंकि 20 का 12 हम गुणा करेंगे 240 हो जाएगा, और 20 में से 12 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ कितना लिखा x माइनस 240 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 20 का x में गुणा करेंगे 20 से x, 12 का x में गुणा कराएंगे 12x माइनस 240 बराबर 0, यहाँ x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 20 माइनस का 12 कॉमन लेंगे x प्लस 20 बराबर 0, चिन्ह बदल दिया हमने, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन बदल जाता है, हमेशा याद रखना कि ये कोष्टक एक जैसा होना चाहिए, तो है तो यानी कि सही है, तो x प्लस बी कॉमन लेंगे तो एक क्वेश्चन क्या आएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब जब दो कंडीशन आए तो हम एक कंडीशन को नोट करेंगे, कौन सी कंडीशन, पहले कंडीशन नंबर एक क्या है, जब
एक्स प्लस बीस बराबर जीरो, तब एक्स बराबर माइनस का 20 आया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन नोट करेंगे, जब एक्स माइनस 12 बराबर जीरो, तब एक्स बराबर 12 आया। अब सर आंसर, आप कहेंगे सर आंसर तो दो आ गए, हम कौन सा आंसर मानेंगे? तो आप क्वेश्चन देखो किसकी बात कर रहा था, लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई और चौड़ाई बेटे कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये आंसर हमारा इनवैलिड रहेगा, अमान्य रहेगा, आंसर हमारा 12 माना जाएगा। तो ये लिख देंगे, ये आंसर क्या है, अमान्य है। चूंकि लिखना चाहो लिख सकते, चूंकि लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए माइनस भी आंसर नहीं होगा। तो लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आई, 12 आई। तो 12 जो आई है, तो ये 12 मान आया है, तो हमने क्या मानी है, 12 हमने x माना है, x की मान क्या है, चौड़ाई है। तो लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई, 12। अब जब ये 12 आई, ये लंबाई उससे 8 ज्यादा होगी, तो लंबाई बेटे साफ सीधी बात है 12 में 8 जोड़ेंगे कितनी होगी, 20। तो 20 का 12 हम जब गुणा करेंगे तभी तो पार्क की क्षेत्रफल 240 होगा, क्योंकि 20 गुणे 12 बराबर 240, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आंसर हमारा आएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद बाकी ये क्वेश्चन अभी हम और लगवाएंगे। अब इसको देखो बच्चों, एक सवाल मैंने एक और लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। लैंग्वेज इसकी समझना बहुत ही अच्छे से। मैसूर और बंगलोर के बीच की जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। तो मैसूर और बंगलोर के बीच जो डिस्टेंस है, एक है सवारी गाड़ी, सवारी माने पैसेंजर एक्सप्रेस पैसेंजर, और एक है आपकी गाड़ी सवारी गाड़ी, और एक है आपकी एक्सप्रेस। तो एक बात बताओ, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा कम समय लगती है, बात साफ है भाई। एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर गाड़ी धीरे चलती है, ठीक है, क्योंकि वो हर स्टेशन पर रुकती है, और फिर उसकी वो स्पीड है वो भी कम होती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बतानी है। सवाल ने क्या कहा, यहीं से सवाल पकड़ने वाला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चल रही है, ठीक है। अगर मान लो अगर ये 20 पहुंच रही है, तो वो 11 उससे ज्यादा पहुंच रही है, ठीक है, यानी कि 20 और 11 कितना, 31 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी। यानी कि अगर कह सकते हैं, अगर उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये सवारी रेलगाड़ी की चाल तो उसकी उससे 11 ज्यादा है, तो 71 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये समझिएगा, तो हम मान लेते हैं कि माना, हमने मान लिया कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बेटे हमने मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर, आवर माने घंटा, तथा अब जो आपकी दूसरी रेलगाड़ी थी उसका नाम था एक्सप्रेस। एक्सप्रेस रेलगाड़ी बेटे तेज ही चलती है, हमेशा याद रखना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल उससे कितनी ज्यादा है, 11। तो साफ सीधी बात है 11 किलोमीटर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बहुत से बच्चे क्या है उसको 11x बोल देते हैं, 11x और 11 प्लस x में धरती आसमान का अंतर है। क्यों भाई, 4 प्लस 5 जे 9 होता है, अब 4 इंटू 5 कहते हैं जो 20 होता है, अंतर है ना। इसी प्रकार ये है, तो एक्स ये है क्या, रेलगाड़ी जो सवारी रेलगाड़ी है पैसेंजर है उसकी अगर एक्स मान ली, तो एक्सप्रेस उससे ज्यादा चल रही है, कितनी ज्यादा चल रही है, 11 ज्यादा चल रही है, उसने लिख रखा है यहाँ पे 11 अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी का चाल, तो हमने एक रेलगाड़ी मान ली इतनी औसत चाल, और दूसरी रेलगाड़ी मान ली इतनी औसत चाल। अब सवाल को थोड़ा यहाँ गहराई समझना, कितनी दूरी चल रहा है, 132 किलोमीटर, तो कौन कौन दूरी चलेगी, पहले सवारी रेलगाड़ी को हमने पहुंचा दिया कि जाओ तुम भी मैसूर से बंगलौर जाओ, तो ठीक है उसने कहा सर जाएंगे। तो यहां लिखेंगे कि सवारी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की दूरी, सवारी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी को लगा समय, सवारी रेलगाड़ी को लगा समय। क्यों बेटे, बात समझ नहीं आई होगी, मैं समझ देखो दोबारा समझो कि दूरी कितनी 132, तो 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 132, और सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी हमने मानी है ऊपर दिख रहा है,
132/100, क्योंकि आप जानते हैं समय बराबर सूत होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 132, चाल कितनी मानी x, तो 132/1। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे दूसरी वाली रेलगाड़ी की, तथा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कौन सी गाड़ी, एक्सप्रेस, जो तेज चल रही है एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो बेटे दूरी आपकी कितनी रही, दूरी तो 132 ही रहेगी, चाहे वो जाए गाड़ी चाहे वो वाली जाए गाड़ी, बटे चाल। अब एक्सप्रेस की चाल कितनी है, आपने लिखा सर x प्लस 11 हमने मानी, उसकी x थी तो x लिखा, इसकी x प्लस 11 क्यों, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब क्या कह रहा था सवाल के 132 किलोमीटर की यात्रा कर रहे में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी को एक घंटा कम समय लगा, तो इस पर फोकस करना है। अब तुम एक बात बताओ, ये है सवारी रेलगाड़ी, ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, समय किसे कम लगेगा, समय किसे कम लगेगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी। साफ सीधी बात है भाई, जिसकी चाल ज़्यादा है एक्सप्रेस जा रही तो वो तुम्हें जल्दी बंगलोर पहुंचा देगी, मैसूर से बंगलोर या बंगलोर से मैसूर, तो एक्सप्रेस गाड़ी जल्दी पहुंचा देगी क्योंकि उसकी चाल ज़्यादा है, और रेलगाड़ी ये इसे ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसकी चाल कम है। तो चाल समय किसमें ज़्यादा लगेगा सर, समय इसमें ज़्यादा लगेगा, कम किसमें लगेगा, कम इसमें लगेगा। तो समय ज्यादा कौन सा है, ये वाला समय है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को एक घंटा कम समय लगता है, यानी कि इसको इससे एक घंटा कम समय लगता है, तो यानी कि ज्यादा समय में से ही तो हम कम समय घटाएंगे, कम में से ज्यादा समय नहीं घटा पाएंगे। तो ज्यादा समय किसमें लगेगा सर, इसमें लगेगा, कम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि ज्यादा समय में से कम समय घटा दो, और हम लोगों का अंतर कितना है इतना, और क्वेश्चन का अंतर कितना है एक घंटा कम लगता है, तो हम लोगों का अंतर आया है इतना 132 माइनस एक्स प्लस 11 ये वाली संख्या, और उनका क्वेश्चन का अंतर है एक घंटा कम समय लगता है, तो ये उसके बराबर कर देंगे। ऊपर आप देख रहे होंगे सर 132 कॉमन आ जाएगा, 1/x बचेगा, 1/x+11 बचेगा, बराबर में क्या है एक है। अब हम लोग लेंगे लासा एलसीएम, देखो एलसीएम क्या आएगा, एक्स आएगा और दूसरा आएगा कोष्टक में एक्स प्लस 11, एक्स से एक्स खत्म क्या बचा एक्स प्लस 11, उसका गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 खत्म क्या बचा एक्स, एक्स गुणा एक में कराएंगे एक्स एकम एक्स बराबर क्या है एक है। अब देखो एक्स से एक्स खत्म तो 132 गुणे 11 बटे गुणा करा दो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर एक बटे एक करके कैंचीदार गुणा कर दो जरा, तो क्या स्थिति बन के आएगी, स्थिति बेटे ये बन के आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर एक का गुणा इसमें कराओ तो 132 गुणे पहले 11 करा दो, तो 11 दूनी 22 की दो वहां से लग गई, दो 11 तीन 33 और दो 34 सॉरी 33 और दो 35 की पांच यहां से लग गया तीन, 11 एकम 11, 11 और तीन 14, तो यानी कि ये स्टेप आपकी बनी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 1452 बराबर 0, प्लस के हैं इधर आ गए। अब इतनी बड़ी संख्या सर अब क्या करें, कोई नहीं, मैंने आपको वही तरीका बताया है, आप 1452 के फैक्टर करेंगे, तो पहले से दो से काटेंगे, 214 224 26 12 236 26 12 236 किससे कटेगा, 3 से 3 एकम 3 26 3 एकम 3 11 से कटेगा 11 और 11 एकम 11। अब इन्हें ऐसे सेट करना है कि घटाने पर 11 आवे, तो देखो 11 तिया 33 या एक काम करो ऐसे नहीं, 2 × 4 और 11 × 4 = 44 भाई, 2 × 4 और 4 × 11 करोगे 44 हो गया, अब 11 × 3 = 33 हो गया, तो 44 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, वही हमें बचाना है। तो यहाँ देखो यहाँ सेट करने की बात होती है कि इन्हीं संख्याओं में से इन्हें ऐसा सेट कर दो कि घटाने पर 11 आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 × 4 इनको अलग करेंगे, इनको इनको मिलाएंगे, इनको इनको और इनको, तो 2 × 4 11 × 4 = 44 और इधर ये कितना बचा 11 × 3 = 33, तो 44 में से 33 घटाओगे 11 बचेगा, वही हमें बचाना था। तो यानी कि फैक्टर हमारा क्या बन गया 44 − 33 और क्या लिखा एक्स माइनस 1452 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 का एक्स गुणा कराएंगे 44x माइनस का 33x माइनस के 1452 बराबर 0। कॉमन क्या है बेटे एक्स है, दूर से नजर आ रहा होगा, यहाँ कॉमन क्या है कुछ भी नहीं, आंख मीच के 33 लिख दो कॉमन, एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये कितनी बार भाग जाएगा, इतनी बार जाएगा 44 बार,
बराबर जीरो, दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा x प्लस चौवालीस, क्या बचेगा x माइनस तैंतीस, बराबर में क्या बचेगा जीरो। कितनी कंडीशन आ गई, दो। जब सर दो कंडीशन आएंगी तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कंडीशन नंबर एक, जब x प्लस चौवालीस बराबर जीरो तब x बराबर माइनस के चौवालीस। अब दूसरी कंडीशन, जब x माइनस तैंतीस बराबर जीरो तब x बराबर तैंतीस। आंसर कौन सा माना जाएगा सर, आंसर ये अमान्य है और आंसर ये मान्य होगा। क्यों, क्योंकि ये बेटे माइनस में आंसर आया, बात किसकी कर रहा था, चाल की। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बटे में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं सकती। तो यहाँ लिखे हैं ये अमान्य आंसर है। तो अतः रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी, सवारी, तो बेटे सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल आपने कितनी मानी है, x मानी है, x का मान कितना आया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बेटे बहुत कम रेलगाड़ी की चाल है, इतने में तो बसें भी नहीं चलती, बसें चलती हैं 50-60 में, ये रेलगाड़ी है ना। तो बात वो नहीं है, सवाल पे डिपेंड रहो, सवाल क्या कह रहा। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 11 ज़्यादा हो जाएगी, तो लिखेंगे तथा एक्सप्रेस की चाल कितनी आ गई, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 33 कितने की 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से बेटे आंसर हमारा आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बात यह समझ में आई होगी। देखिए सवाल यहाँ से फोकस कर रहा कि सवारी रेलगाड़ी की चाल पैसेंजर रेलगाड़ी की, जो सॉरी पैसेंजर माने सवारी होता है, सवारी रेलगाड़ी की चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल से कम थी। कितनी कम थी, 11। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 ज़्यादा है, बात एक ही है ना। तो एक्स ये मान लेंगे तो ये 11 ज़्यादा होगी, एक्स प्लस 11। तो 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले सवारी रेलगाड़ी को पहुंचा दो, समय कितना लगेगा 132 बटे एक्स, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी एक्सप्रेस वाली कितना समय लगेगा, 132 प्लस एक्स बटे 11, क्योंकि ये उसकी चाल है। तो ये क्या है ना प्रश्न अनुसार, अब यहाँ पे फोकस करना कि ज़्यादा समय कौन है, कम समय कौन है। तो ये ज़्यादा समय लेगी क्योंकि ये धीरे चल रही है, ये कम समय लेगी क्योंकि ये तेज चल रही है। तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे और बराबर में कितना लिखा, एक घंटा कम लग रहा तो एक लिखा, दो घंटा कम लगता दो लिखते, डेढ़ घंटा कम लगता डेढ़ घंटा कम लिखते। यहाँ से लासा कॉमन लिया, एलसीएम लिया, कहीं सीधा गुणा करके द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हमने बेटे यहाँ पे कॉमन करके आंसर ला दिया, दो आंसर आए। इसमें ये अमान्य होगा, ये मान्य होगा, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल सवारी की होगी 33 और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का होगी 44। तो ये बेटे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे सवाल बच्चे नहीं कर पाते। जो इस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग देखो, आपकी बुक में दिए गए हैं, सवाल करो और कोई भी समस्या आए तो आप हमसे पूछो। आज यही सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं तो इन्हीं दो पे ही चर्चा करेंगे, बाकी की हम बाद में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए हम सोच रहे हैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे दें, हालांकि आप लोग करते नहीं हैं लेकिन मेरा काम है होमवर्क देना, होमवर्क दे देते हैं, आप लोग नोट करिएगा उसको। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में जो लिखा है वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैसूर और बंगलोर वाला था। इसमें क्या है, मुंबई से पुणे की 192 किलोमीटर दूरी है, सेम टू सेम क्वेश्चन था। तेज रेलगाड़ी एक धीमी रेलगाड़ी है, उसमें भी था एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ी। अब तेज रेलगाड़ी की चाल से इसमें 16 किलोमीटर का कम हो, तो कम की बात कर रहा है, उसमें ज़्यादा की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, उसमें भी कम की बात करता तो क्या कहता, तो ये कह देता ना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर का कम है। और इसने यहाँ क्या कह दिया, वही बात कह दी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते थे उस वाले सवाल को कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, एक ही बात है ना। तो यहाँ क्या सवाल कह रहा है कि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि तेज रेलगाड़ी की चाल धीमी रेलगाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर ज़्यादा है, एक ही बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहो, चाहे माइनस करके करना, माइनस करना तो थोड़ा उल्टी हो जाएगी लैंग्वेज, और प्लस करना तो थोड़ी वैसी हो जाएगी लैंग्वेज, आप लोग वैसे कर सकते हो। तो इसका आंसर सभी लोग मुझे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए। Thanks for watching the video.